आज हम बात करेंगे न्यू गाबा M75 कैप्सूल के बारे में। तो आप देख सकते हैं न्यू गाबा M75 कैप्सूल, तो इसके क्या यूजेस हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और इसको कौन सी कंडीशन में कब लेना है, उसके बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आने वाले वीडियो का नया अपडेट आपको जल्द ही मिल सके। तो वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका मैं रिव्यू आपको दूंगा, इसको कौन सी कंडीशन में लेना है, कब लेना है। तो पहले बता देते हैं इसका नाम, तो आप देख सकते हैं न्यू गाबा M75 इसका ब्रांड नेम है फ्रेंड, और इसका कंटेनर है जो कि है मिथाइकोबालामिन। एक सेकंड में अच्छे से आपको बताता हूँ, इसमें है प्रीगाबलिन एंड मिथाइकोबालामिन। तो इसमें दो तरह के कंटेंट मिलाए गए हैं, और यहाँ पर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं प्रीगाबलिन है जो कि 75 mg है, और जो मिथाइकोबालामिन है वो 0.75 mg है। तो इसमें दो तरह के कंटेंट मिले हैं, और ये मैं बता दूँ शेड्यूल H में प्रिस्क्रिप्शन में आता है ये ड्रग। बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आपको कहीं नहीं मिल सकता ये कैप्सूल, ये डॉक्टर की निगरानी में ही ले। तो आइए जान लेते हैं इसके फ़ायदे के बारे में, इसके गुणों के बारे में। तो फ्रेंड न्यू गाबा एम एक साइकेट्रिक में यूज़ होने वाला कैप्सूल है, इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं ले सकते और ना ही कभी लें, बिना डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं लेना। ये सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सॉरी, मैं एक बार कंपनी में बता दूँ आपको, तो कंपनी आप यहाँ पर देख सकते हैं सन फार्मा लेबोरेटरीज इस प्रोडक्ट को बनाती है, जो कि इंटरनेशनल कंपनी है। इसके बहुत से ब्रांड हैं दोस्तों सन फार्मा के, और एक ये एथिकल प्रोडक्ट है। तो इसके हम जान लेते हैं अब यूज़र्स के बारे में। तो फ्रेंड इस कैप्सूल को साइको में यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैं बता देता हूँ कौन कौन सी कंडीशन में यूज़ करते हैं। तो जब पेशेंट को, कई पेशेंट को नसों का दर्द रहता है या दर्दनाक नसें तड़कती हैं, कई बारी पेशेंट को ब्रेन हेमरेज में भी इसको दिया जाता है, कई बारी नसों का, दिमाग की नसों का तड़कना या दर्द होना, तो उस कंडीशन में इस कैप्सूल को दिया जाता है। और इसके यूजेज जो नसों में खून जाम हो जाता है, तो नसों का संचार, खून का संचार तेज करता है। और इसके और यूजर्स हैं जो कि नसों की तांत्रिका होती हैं, नसें जो होती हैं उनमें खिंचाव होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसको कम करने के लिए भी इसको यूज़ में लाया जाता है। तो और इसके यूजर्स हैं जो इसको साइकेट्रिक में, जो पेशेंट नशा करते हैं, नशा मुक्त होना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। साइकेट्रिक के डॉक्टर होते हैं जो, तो इस कैप्सूल को यूज़ में लाते हैं वो। और इसके जो यूज़र्स हैं, जिन पेशेंट को चिंता लगी रहती है, कमज़ोरी होती है, खून की कमी होती है, तो उस कंडीशन में कई बार इसको दिया जाता है। और इसका जो मेन यूज़ है, तो कई पेशेंट की पैरों की नसें चढ़ना या नसों में दर्द होना, सोते टाइम पैरों की नसें चढ़ जाती है या हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं कईयों के, तो उस कंडीशन में भी इसको यूज़ में लाया जाता है। तो मैं फ्रेंड बता दूँ इसके बहुत से यूज़ हैं प्रीगाबालिन मिथाइकोबालामिन के, वो डॉक्टर ही कंसल्ट करते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट पर नज़र डालते हैं हम। तो जो पेशेंट इस कैप्सूल को लेते हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ। या पीठ में दर्द हो सकता है उनके, या जोड़ों में दर्द होना, थकान होना, धुंधली दृष्टि होना, नींद का बार बार आना, भद्दापन सा लगना, जैसे कि बिल्कुल अकेलापन लगना, धड़कन का बढ़ना या कम होना, बेचैनी सा महसूस होना, तो इसके ये साइड इफ़ेक्ट आपको देख सकते हैं। तो इसके डोसेस बता दो, इसको सुबह शाम लिया जाता है इस कैप्सूल को, एक एक कैप्सूल खाना खाने के बाद। कई बार इसको कम बीमारी हो जिन पेशेंट को, तो एक बार भी दिया जाता है। तो फ्रेंड आपको रिव्यू कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।